हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज उनके दिल में आपके लिए कहने के लिए क्या है, इन मैसेजेस के थ्रू जानते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक या फिर दिल की बात नहीं कहे, तो इस सिचुएशन में इन मैसेजेस क्या कहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओपिनियंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर एंड यू आर वर्दी ऑफ लव, फ्लर्ट। सो आपके साथ एक ना जो पल बिताए हैं या आपके साथ पल बिता सकते हैं, ये सारी सिचुएशन है उनको बहुत ज़्यादा एक लाइवलीनेस देता है, एक ज़िंदगी देता है। ये आपके पास नहीं आ रहे, आपसे बात नहीं करे, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है, या फिर मतलब ऐसा नहीं कि ये थर्ड पार्टी के सिर्फ कंट्रोल में है, बट समाव ऐसा ना कि ये लाइफ में ना और तकलीफ नहीं ये करना चाहते, ना आपके ना खुद के, क्योंकि वो अभी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में होना क्या चाहिए, क्योंकि अपनी ना गलतियाँ देख चुके हैं कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया था, या आपको छोड़ने का, आपको दुख देने का बहुत गलत डिसीजन, क्योंकि वो अपने आप को मिरर में देख पा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और सेकेंडली मिररिंग ऑफ एनर्जी हो सकता है कि यहाँ पर आप उनके लिए तड़प रहे हो और वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वो भी हो सकता है, ये भी एक चीज़ है। एंड खास करके मुझे ऐसा लगा कि खास करके ना अपनी मिरर इमेज देखने के बाद, अपने आप को मिरर में देखने के बाद, आईने में देखने के बाद, उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्होंने क्या बड़ी गलती की है, आपसे माफ़ी मांगने की इच्छा बहुत रखते हैं। कैसे क्या होगा पता नहीं, बट उनको ऐसा लगता है ना कि माफ़ी तो बनती है, माफ़ी मांगना तो बनता है, क्योंकि मैंने इस इंसान के साथ गलत किया, या इस इंसान के साथ जो डिसीजन लिया था वो भी गलत लिया, कि मतलब इनके लिए डिसीजन लेना था लेकिन उनके अगेंस्ट डिसीजन लिया, इनको इम्पोर्टेंस देना था लेकिन वही नहीं दिया। आज जो भी हो रहा है ना, ये इसी का नतीजा है। लाइफ में मैं जो खाली हूँ वो उसी की वजह से है। इन्हें आपके साथ आने से, आपके पास आने से डर भी लगता है, क्योंकि आपको कैसे फेस करे, आपको किस मुंह से फेस करे, आपको क्या कहे, वो समझ नहीं आ रहा है। हालांकि इनके डर वो तो है, लेकिन एक तरफ आपकी तरफ एक जब रोमांटिक एनर्जी आती ना, तो ऐसा लगता नहीं, यही इंसान है जो प्यार के काबिल है, और मतलब ये इंसान मुझे बनाता है, ये इंसान मुझे वही एक ऐसी फीलिंग में देता है कि जहाँ पे जीने का एहसास होता है, वरना लाइफ तो ऐसे बस चल रही है। और ये आपको ना बहुत ज़्यादा मानते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा, लाइक ना प्यार अगर वर्ड है तो उसका दूसरा नाम आप हो। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये मुझे ऐसा लगा कि ये आपको कुछ गिफ्ट देके ही आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है ना कि समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट ये आपके लिए एक्शंस लेना चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, इन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत हो रहा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, हमेशा आपको हर्ट किया है, आपको रुलाया है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, उनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, एक स्माइल होती है ना, वो आप ही की वजह से आ सकते हैं, आपको ही पता है, पूरी दुनिया में सिर्फ आपको पता है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन उनका अभी जो माइंड या सोल में क्लैरिटी है कि इनका हार्ट तो कम से कम आपका है, सिचुएशन चाहे जो भी हो जाए। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये लास्ट नाइट भी आपके बारे में सोचते हैं, इनफैक्ट हर नाइट सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि चलो आपके पास जाए, मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन समा वो हो नहीं पाता, ऐसा लगता है कि ये इनके लिए रूटीन बन चुका है, बस ये सोच भी उनके लिए काफ़ी है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, ये सोचते हैं, ये इनका विश्वास है कि हम एक होने के लिए ही बने हैं। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, इनको ऐसा लगता है ना कि आप भी उनके लिए तड़पते हो, सिर्फ आप दिखाते नहीं, हो सकता है आपने मूव ऑन भी कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में जो सोच है वो आपकी इनके लिए अभी तक जाग गई है। आई लव यू नो यू फ्लर्ट, व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, फ्लर्ट वर्ड दो बार आए हैं, डेफिनेटली
ये एक मिसिंग एनर्जी, हाँ ये फ्लर्ट का मीनिंग ये हो सकता है कि जैसे आप अटेंशन देते हो, आप फ्लर्ट करते हो, आप इंपॉर्टेंट फील कराते हो, प्यार दिखाते हो, जताते हो, हर चीज़ मिस के जा रही है। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बात करते हैं, इज स्टिल नॉट ओवर। कभी कभी इनको दिल को लगता है कि नहीं यार, ये सब कुछ ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, हम एक होने के लिए बने हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको थामना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं लाइफ में। एंड लाइफ में थोड़ा है कि हार्ट ब्रेक है, निगेटिव सिचुएशन है, सब कुछ है, लेकिन आप अजीब सा होप लेके आते हो ज़िंदगी में, ऐसा उनको लगता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।